हैप्पी बर्थडे हमने गेम खेला, मैंने कर दिया भाई सबने काशु को विश फिर से। आज है उसका बर्थडे। और एक सेकंड गाइस, या तो यार आज का प्लान कुछ ऐसा है, जाएंगे इसके बर्थडे की वेन्यू पे, सारे अरेंजमेंट्स करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये सामान दिखाया हुआ है आपको, तीसरी बार दिखा रहा हूँ मैं, फिर देख लो। तो बस अरेंजमेंट्स करेंगे, होपफुली सब अच्छा रहे। सब अच्छा रहेगा तो उसके बाद शाम को आके जरा सा रेस्ट करेंगे। आई डोंट नो टाइम मिलेगा भी या नहीं। मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया था, मम्मी की एक बहुत पुरानी फ्रेंड आई थी स्कूल की, उनके बेटे की शादी है। बर्थडे मनाने के बाद शाम को 6 बजे हमें पहुँचना है दिल्ली, पश्चिम विहार साइड पे कहीं पे, फिर शादी अटेंड करके घर। आज का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है, बहुत ज़्यादा। अभी हमें ना क्या कहते हैं, थोड़ा लास्ट मोमेंट प्रिपरेशंस करनी है, तो मैं और मंशा जा रहे हैं। मंशा जल्दी से रेडी हो गई, बस मैं तो हो चुका हूँ। टाइम हो रहा है 12:15 हो रहे हैं, 1 बजे से फंक्शन शुरू है। ये देखो गाइस, बाहर से मस्त डेकोरेट हो गया घर, आज पता लग रहा है बर्थडे है इस घर में किसी का। तो गाइस केक वगैरह रखवा दिया है हमने वेन्यू पे, अब मंशा वहाँ डेकोरेशन का देख रही है, मैं ट्रांसपोर्टेशन का देख रहा हूँ। तो अभी मम्मी काशु और सबको यहाँ पे लेके आते हैं और अपना डेकोरेशन कंटिन्यू करते हैं। मंशा अभी सुपरवाइज कर रही है वहाँ पे। तो भाई उठा लिया है टब्बर, अभी सब पहुँच रहे हैं, अब बस टच वोट सब कुछ सही हो। तो यार हो गई बर्थडे गर्ल रेडी एंड दिस इज द वेन्यू। चलो लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे। आर यू एक्साइटेड? ओके अभी कोई भी नहीं आया और ये अपना टैटू पहले ही बनवा लिया। गाइस लोग आने लग गए हैं, आप बस ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, वो टैटू बना रहे हैं। यहाँ चल रही है अपनी पूरी डेकोरेशन, अभी भी डेकोरेशन चल रही है वैसे। ये देखिए गाइस यहाँ पे, ये मैंने अपनी अपना ही कुछ कराफाती करी थी इसके लिए, बाकी ये इन्होंने लगाया है। हैप्पी बर्थडे काशवी। ये सार्जेंट लग रहे हो आप, सार्जेंट सार्जेंट ठीक है। हाँ ऑलमोस्ट डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। मम्मी बीच में पड़ी हुई थी कि मैं करवाऊंगी, लेकिन मैंने इनको चुपचाप बिठा दिया यहाँ पे। सैल्यूट मार दो, एक सार्जेंट लग रहे हो। हाँ तो यार बच्चा पार्टी अभी फुल फोर्स में अवेलेबल है, टैटू वैटू सबके बन चुके हैं, बहुत सही से हो रहा है सब कुछ, सब इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए कितने सारे गिफ्ट आ गए हैं यार, मैं ही खेलूंगा इन सबसे। यहाँ तो बहुत शोर मच रहा है गाइस, अभी भैया गए हैं दादू जोशी को लाने। मुझे भी ले, सब ले गए। थैंक यू, कुछ इसको मिला मुझे। गाइस दादू जोशी इज हियर, चीफ गेस्ट आ गया है यहाँ के, चीफ गेस्ट आ गया। हेलो दादू, हाउ आर यू? हैप्पी बर्थडे पापा काशु का। अभी सब दादू जोशी से मिल रहे हैं बच्चे। तो यार अब केक कटिंग शुरू होने वाली है। हैप्पी बर्थडे
बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। ये देखो गाइस कैसे बैठे हैं सब ठूस के। मजा आता है। हम पीछे मारुति 800 में बैठते थे डिक्की में, पूरा 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 ठूस के। लेट्स गो बैक टू द हाउस। अब रेस्ट करेंगे यार, सब कुछ अच्छे से हो गया, बहुत बढ़िया फंक्शन था। अनबॉक्सिंग शुरू भाई। शोर मचा हुआ है, वाइंड अप कर रहे हैं सब, काशों ने गंद मंद मचा दिया। हो गया गाइस अनबॉक्सिंग, सारा सेटल। देखो कितना मैस हो रखा है वहाँ, ड्राइंग रूम में भी बहुत मैस है यार। अभी अब है अगला प्लान शादी में जाने का, ऑलरेडी थकान हो रखी है। ये भेजा है दादू दादी ने इसको, अभी आया जाके फोन्स एंड पेटल से, कब का ऑर्डर किया हुआ था। ओके गाइस, देखिए किसका फोन आया है यहाँ पे, आप सब जानते हैं इसको। परेशान हो गया वो भाई, सब रेडी हो गए हैं, मंशा रेडी हो रही है एंड वी आर अबाउट टू लीव फॉर द वेडिंग। यार जा रहे हैं अभी, रेडी वेडी हो गए। देखो झुमके वगैरह पहने हुए हैं इसने, अब शादी में जाके दिखाते हैं आपको। गाइस बड़ी जद्दोजहद के बाद पहुंचे हैं। ये खा रही है कड़ी और छोले हैं गाइस, ये है फ्राइड आइसक्रीम, पता नहीं कैसी होगी, कैसी है आइसक्रीम, कैसे कोई फ्राई कर सकता है यार। चलो यार लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे था फंक्शन, अब घर जा रहे हैं, बहुत थक गए यार, 11:30 हो गए हैं। 11:30 नींद आ रही है यार, अपना मुझे आंखें भी नहीं खुल रही मुझसे। ये देखिए गाइस ये पड़ रहा है हमें 52 मिनट्स मोर टू गो और हम घर पहुंचेंगे 1:45। काशू के बेड पे मैंने बड़ी मुश्किल से जगह बनाई है, टॉयज ही टॉयज फैले हुए थे और हम आ गए हैं फाइनली, बहुत ज़्यादा थक गए हम। तो यार अभी टाइम हो रहा है 1:45 बज रहे हैं, मतलब 1 बज गया और सुबह से लेके रात तक इतनी भागा दौड़ी हो गई ना यार, इतना थक गए हैं। मतलब काशू ऑलरेडी सो गई थी वापसी में, मंशा भी बस सोने की उसमें है और मेरी तो बहुत ही बुरी हालत है। मैं सुबह से पूरा अरेंजमेंट करना, मतलब मंशा भी ऐसी होगी आई एम श्योर, बट हम दोनों की हालत बहुत ख़राब है आज। आज का व्लॉग करता हूँ यार यहीं पे एंड, आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको पता है क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Cheers guys, bye, love you all.